कहीं ना कहीं आयुष ने मेरे साथ सैक्रिफाइस किया था, पर आप लोग ने तो आयुष को एकदम हीरो ही बना दिया यार, एकदम कायदे वाला हीरो बना दिया। एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। और आज कुछ नहीं, बस आप लोग से मन कह रहा था, इसलिए आज हमने सोचा कि आज थोड़ा सा आप लोग से कन्वर्सेशन किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो स्टॉक की वीडियो को आए हुए 4 से 5 दिन हो गए हैं और आप लोग का प्यार मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा बरसा। और मुझे लगता था कि यार अभी तक आप लोग मेरी नॉर्मल फैमिली देखते थे, क्योंकि हमेशा कभी भी हमने सब चीज़ों का जिक्र नहीं किया। और काफ़ी लोगों ने तो ये भी कमेंट लिखा फ्रेंड्स कि ये दीदी आपकी फैमिली को देख के नहीं लगता कि आपकी सिचुएशन में आपकी दोनों लोग की शादी हुई, आपकी आयुष भैया की शादी हुई है, तो इसका क्या राज है, क्यों नहीं पता चलता था, कि कभी हम लोग नहीं समझ पाए कि आप लोग इस सिचुएशन में आप लोग की शादी हुई है। तो मैं आपको सबसे पहला, राज तो कोई नहीं है, मैं आपको ये बता दूं, क्लियर कर दूं, आप लोग का जो कमेंट आ रहा है कि क्यों आप लोग की फैमिली को देख के, सारी फैमिलियों की तरीके से नॉर्मल ही फैमिली दिखी अभी तक, इतने दूर का सफ़र हो गया, 1 साल का सफ़र हो गया यूट्यूब पे, या 1-1.5 साल का हो गया, तो इसका रीज़न यही है फ्रेंड्स, या इसका रीज़न यही है सिस्टर, कि हम लोग जो हैं वो पास्ट को लेके प्रेजेंट, मतलब पास्ट को प्रेजेंट में नहीं घुसने दे रहे हैं, मतलब कि हम लोग अपनी कड़वी यादों को अपने प्रेजेंट में नहीं घुसने देते हैं, हम लोग प्रेजेंट को प्रेजेंट में ही इंजॉय कर रहे हैं, और हम लोग अपनी जो अपनी फैमिली है बस इसी में हम लोग खुश रहते हैं, और हम लोग की जिंदगी, हम लोग की खुशियाँ इसी में ही समटी है, और हम लोग अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, हम लोग पीछे मुड़ के कुछ भी नहीं देखते हैं। और मैं आपको बता दूँ, कोई अगर हमको पीछे मुड़ के देखने के लिए मजबूर करता है तो हम लोग बिल्कुल नहीं देखते, बल्कि उस पर्सन को ही हम लोग इग्नोर कर देते हैं जो हम लोगों को पास्ट में घसीटता है। क्योंकि हमारा, जब हमको ऐसा लगता है कि अगर आपका पास्ट बहुत अच्छा हो तब तो आप पास्ट को लेकर चलो, पर अगर आपका पास्ट बहुत अच्छा ना हो तो उसको छोड़ देने में ही समझदारी होती है। और वही काम हम दोनों कपल या हमारी फैमिली कर रही है, हम लोग पास्ट को लेके न चल के हम लोग प्रेजेंट को लेके चल रहे हैं, और हम लोग की जीवन एकदम नॉर्मल चल रहा है, जैसे सारे कपल की जिंदगी चलती है वैसे मेरी भी चल रही है, और एक नॉर्मल खुशहाल फैमिली की तरीके से हम लोग जीवन जी रहे हैं। और सबसे ज़्यादा उंधा, मतलब सबसे ज़्यादा, मतलब इस टॉपिक के बाद सबसे ज़्यादा कमेंट आने वाला ये रहा हमारे, मतलब चैनल पे, कि दीदी आपका हमेशा एक लड़का दिखता है, एक लड़का नहीं दिखता है। तो सिस्टर, आप लोग, या आप ब्रदर हो या सिस्टर हो, जो भी हो, आप लोग ठीक से चैनल पे नहीं देखे। मैं कई बार, हमारा बड़ा लड़का भी आया है, मगर हाँ ये कह सकते हैं कि छोटा वाला हमेशा मेरे चैनल पे बना रहता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं चंचल स्वभाव का है और वो मेरी तरह है कहीं ना कहीं, वो रिजर्व नेचर का नहीं है, तो इस वजह से वो हमेशा चैनल पे रहता है, एक्टिव रहता है। मगर जो मेरा बड़ा वाला लड़का है वो इस समय, मतलब इंटर में है, फाइनल ईयर है इंटर, और वो एक्चुअल में इतना एक्टिव नहीं रहता है, उसको मतलब बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया नहीं पसंद है। तो मुझे लगता है कि मैं एक माँ हूँ, मैं अपने बच्चों को ज़्यादा समझूंगी, और मुझे लगता है कि जिस बच्चे का जिस फील्ड में रुझान हो उसी फील्ड में जाना चाहिए। तो मेरा जो बड़ा वाला लड़का है वो एजुकेशन में बहुत ज़्यादा उसका इंटरेस्ट है, तो वो एजुकेशन के लिए मतलब मेरे चैनल पे नहीं रहता है। प्लस वो दूसरी बात है, उसको बहुत इंटरेस्ट भी नहीं है सोशल मीडिया का, पढ़ने लिखने में भी बहुत अच्छा है वो, तो हम लोग उसको घसीटते भी नहीं है, वो उसका अपना चॉइस है। और छोटा वाला क्या है, थोड़ा सा चंचल है, थोड़ा नटखट है, एजुकेशन है उसके पास, पर मैं ये नहीं कह सकती कि उनका खिलाड़ी है या बहुत ब्रिलियंट है, सो है, तो और उसको सोशल मीडिया पसंद है, तो इससे ज़्यादातर वो सोशल मीडिया, मतलब मेरे चैनल पर उसको अक्सर आप देखने को मिलता होगा, मेरी रील्स में देखने को मिलता होगा। ऐसा नहीं है कि बड़े वाला लड़का नहीं आता है, आप ठीक से रील्स देखिएगा तो कहीं कहीं बड़ा वाला लड़का भी दिखा है, मगर ज़्यादा छोटा वाला लड़का ही रहता है, इसलिए आपको रील्स में वो नहीं दिखता है। पर अगर आप कहोगे तो मैं नेक्स्ट ब्लॉक में अपने बड़े वाले लड़के को भी रखूंगी, ऐसा नहीं कि मैं बोलूंगी तो वो नहीं आएगा, आएगा वो जरूर आएगा। तो इसलिए वजह से आप लोग बड़े वाले लड़के को कम देख पाते हैं और छोटे वाले लड़के को ज़्यादा देख पाते हैं। और फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं कि आप लोगों ने जो स्टॉक की वीडियो के आने के बाद, हमने देखा है कि लाखों की संख्या में मेरे चैनल पे इतने प्यारे प्यारे कमेंट आए हैं, इतने सुंदर सुंदर कमेंट आए हैं कि मैं कमेंट पढ़ती हूँ तो मैं भावुक हो जाती हूँ। बहुत लोग ने तो लिखा कि दीदी रिप्लाई जरूर करना, मैं जहाँ तक हो सकता है मैं करती भी हूँ, पर अधिकतर ऐसा हो जाता है कि मेरी गलती होती है कि मैं हर एक का रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ। पर उसके लिए आप लोग बुरा ना मानना यार, कभी कभी इतने ज़्यादा कमेंट होते हैं कि कितनों का रिप्लाई करें, पर ये आप जान लीजिए एक एक कमेंट मेरी नज़रों के सामने होता है, एक एक कमेंट में मेरा नज़र होता है, कौन मुझे कितना दिल से चाहता है वो सब मुझे पता होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप मुझे फॉलो कर रहे हो और एक साधारण सी सृष्टि को इस मुकाम पे, इस जगह पे लेके आए हो, तो कहीं ना कहीं वो सब आप ही का देन है।
और आप ना होते तो शायद मैं ना होती, इसलिए मैं बहुत ज्यादा आभार आप लोगों से प्रकट करती हूँ कि आप लोग मुझे इतना प्यार और इतना सपोर्ट दिया। खास तौर से इसमें हमारा मतलब सच बताएं जोश स्टॉक जाने का एक मतलब मेरा मुझे नहीं पता था जोश स्टॉक आने के बाद या वहां की वीडियो रिलीज होने के बाद क्या होने वाला है, मगर जब आई तो उसके बाद मेरे मन से एक बोझ उतर गया। मैं आपको बता दूं वो बोझ सबसे बड़ा ये था कि कहीं ना कहीं आयुष ने मेरे साथ सैक्रिफाइस किया था, पर आप लोगों ने तो आयुष को एकदम हीरो ही बना दिया यार, एकदम कायदे वाला हीरो बना दिया, और आयुष तो सोशल मीडिया पे एकदम हीरो की तरीके से छा उठे। तो मतलब एक बोझ उतर गया यार कि मुझसे शादी करके उन्होंने गलत डिसीजन तो नहीं लिया, ये वो, तो अब उनको एकदम हीरो वाली फीलिंग आती है। तो वो चीज बहुत अच्छा लगा मुझे, एकदम हीरो और उनकी तो रिस्पेक्ट ही बढ़ गई, और मुझे ये चीज बहुत अच्छा लगा। और सच बताऊं तो मैं एकदम फूले नहीं समा रही हूं, क्योंकि उनकी मतलब जैसे कहीं ना कहीं हम भारतीय महिला है तो जानते क्या होता है, हमारी तारीफ करे या ना करे कोई, पर भारत में एक संस्कार है कि अगर आपके हस्बैंड की तारीफ, आपके बच्चे की तारीफ कोई कर दिए ना, तो आपको लगता है आपकी पूरी जिंदगी सार्थक हो गई। तो सच वाली बात बताएं तो जब से मैं जॉब स्टॉक पे गई हूँ और तब से जब कमेंट आ रहा है, तो जब आयुष जी के बारे में अच्छा अच्छा कमेंट सुनती हूँ, तो मुझे लगता है रे व्या सृष्टि तेरी तो जिंदगी ही सार्थक हो गई है। मतलब इतना ज्यादा अच्छा लगता है कि मैं आपको क्या बताऊं, अब किस तरीके से मैं आपका शुक्रिया अदा करूं ये मैं बोल ही नहीं सकती, शब्दों में ही नहीं है। मतलब वो थैंक्स बोलना ना तो बहुत छोटा शब्द है आप लोगों के लिए। सच में इस तरीके से हमारी और आयुष की जिंदगी एकदम बढ़िया से चल रही है। और फ्रेंड्स मैं आप लोगों को भी कहना चाहती हूँ, अगर आप लोग कोई प्रॉब्लम में है या किसी भी चीज की मुसीबत में है, तो बिल्कुल भी आप परेशान मत होइए, सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन इस ऊपर वाले के हाथ में है, 100% आपकी भी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। क्योंकि कभी ना कभी मैं भी डिप्रेशन में रहती थी और मुझे लगता था यार सारी दुनिया के सारी प्रॉब्लम क्या मेरे ही ऊपर है, पर कहीं ना कहीं सब कुछ भगवान सही कर देता। हाँ मुझे ऐसा लगता है जब हम प्रॉब्लम में होते हैं तो हमको लगता है यार नहीं यार मैं कभी नहीं निकल पाऊंगी, या मुझसे कभी नहीं होने वाला, ये प्रॉब्लम जाने का नाम ही नहीं ले रही, एक जाती नहीं है कि दूसरी आ जाती है। पहले मुझे भी लगता था यार एक प्रॉब्लम जाती नहीं है कि दूसरी आ जाती है, मगर अब लगता है कि नहीं यार वक्त चेंज होता है, वक्त बदलता है। क्योंकि अब अपने आप को देखते हैं तो हमको लगता है यार कि आज से कुछ साल पहले मैं कैसी थी और अब मैं कैसी हो गई, तो नहीं, भगवान सब कुछ चेंज करता है। तो इसी विश्वास के साथ आप भी रहिए और हमेशा आपका भी सब कुछ चेंज होगा अगर आप किसी भी तरीके से प्रॉब्लम में है। और बस मैं अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, और बस मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगी कि फ्रेंड्स आप लोग ने मुझे बहुत प्यार दिया है, और इसी तरह जीवन भर अपना प्यार मुझे देते रहिएगा, इसी तरीके से अपना प्यार मेरे चैनल में बनाए रखा करिए। थैंक यू सो मच।